देश की शान बढ़ाने वाले सुशील कुमार रसलर दो दो बार ओलंपिक में मेडल जीतने वाले आज जेल में हैं। ऐसा क्यों? आइए इस वीडियो में जानते हैं। जिस छत्रसाल स्टेडियम से सुशील कुमार ने पहलवानों शुरू की थी उसी के पार्किंग लॉट में एक युवा पहलवान सागर धनखड़ के मर्डर के केस में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि सुशील कुमार को 2006 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 2011 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। इतने सारे सम्मान के बावजूद भी आज सुशील कुमार जेल में है। यहाँ तक कि ये फरार चल रहे थे जिसपे दिल्ली पुलिस ने इन पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी रखा था। दिल्ली में मॉडल टाउन के एक फ्लैट खाली करवाने के चक्कर में 4 मई की रात को छत्रसाल स्टेडियम, ये वही स्टेडियम है जहां से सुशील कुमार ने पहलवानी शुरू की थी, उसी स्टेडियम के पार्किंग लॉट में 23 साल के सागर धनखड़ को सुशील कुमार और उनके साथी ने मिलकर मारा, जिसके चलते हॉस्पिटल में सागर की मौत हो गई थी, जिसके बाद सुशील कुमार फरार चल रहे थे। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें सुशील कुमार और उनके साथी डंडों से बैट्स और हॉकी से मारते दिख रहे हैं। सुशील कुमार फरार चल रहे थे जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने उन पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी रखा था और फिर दिल्ली पुलिस ने बहुत ढूंढने के बाद उन्हें 23 मई को पंजाब से अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, सुशील कुमार ने देश को दो दो ओलंपिक मेडल दिलाए और उसके बाद ये हरकत, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।